फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वैदिक कल्चर के एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये हमने लूसेंट की बुक ली है, इसका हम करेंगे और इस बुक को हम पूरी कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके बाहर GS GK में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेसिग्नेट आर्यंस अरेस। तो वो कौन सा यूरोपियन था जिसने डेसिग्नेट किया था आर्यन का रेस का, तो वो कौन था, विलियम जॉन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज, इनका स्टेपल फूड क्या था वैदिक आर्यंस का, तो ये था हमारा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर, तो ये कितने दिन के लिए हुआ था कुरुक्षेत्र में, 18 डेज के लिए हुआ था। कौन सा बैटल, बैटल ऑफ महाभारत, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये 18 डेज तक हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ अ मैन इन आर्यन सोसाइटी, इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज में। तो पहले इसमें क्या होता है, पहले ब्रह्मचर्य आता है, पहला जो होता है इसमें ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थी, फिर वनाप्रस्था, फिर संन्यास। मतलब पहले ब्रह्मचर्य बैचलर होना, फिर गृहस्थी, घर गृहस्थी में आना, फिर वन में जाना, फिर उसके बाद संन्यास ले लेना, ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया था। ये जो होते हैं ये स्टेजेस होते हैं लाइफ के, लाइफ में इंसान के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसका क्या होगा, पाणिनी, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, पाणिनी। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेद, मतलब जिक्र ही नहीं किया गया है ऋग्वेद में, तो ये कौन सी रिवर थी, ये थी पेरियार। यमुना का भी ऋग्वेद में जिक्र हुआ है, सिंधी रिवर का तो बहुत ही बार, इंडस रिवर का तो बहुत ही बार जिक्र हुआ है, और जो सरस्वती रिवर है इसकी 2 बार जिक्र हुई है ऋग्वेद में, और इसको मोस्ट होली रिवर उस वक्त माना जाता था, मोस्ट प्योरेस्ट रिवर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास असर्शन है और फिर हमारे पास यहाँ पे रीजन है, तो क्वेश्चन पूरा कवर नहीं है क्या, कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ। तो ये क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। रीजन क्या है यहाँ पे, कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ फिलोसफिक डाउट अबाउट इट आर अ पार्ट ऑफ द मैनी वैदिक हाइमंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो वैदिक कल्चर में मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो मेजर इम्पैक्ट किसका था वैदिक कल्चर पे, तो इंडियन हिस्ट्री में, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इसका मेजर इम्पैक्ट हुआ इंडियन हिस्ट्री पे, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम का मतलब है कि अगर आप एक कास्ट में हो तो वहाँ से फिर आप वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसको रिजिड कर दिया गया फिर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन, तो जो भगवद गीता हम आज पढ़ते हैं तो हमें खैर हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड हो जाती है, बट वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष शास्कुटा इज फाउंडेड इन द, तो ये किस में फाउंडेड हुआ है, तो ये वर्ड, ये जो चीज़ है ये ऋग्वेद में फाउंड हुई है, पुरुष शास्कुटा।
नेक्स्ट हम देखेंगे द हाइमंस ऑफ ऋग्वेद आर द वर्क ऑफ, जो हाइमंस हैं ऋग्वेद के उनका वर्क कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ये हुआ है मैनी ऑथर्स के द्वारा, हाइमंस जो ऋग्वेद में हुए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज अ नेशनल रिवर, तो किस रिवर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है नेशनल रिवर बनाने के लिए, तो यहाँ पे गंगा रिवर को डिसाइड किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ योगा सूत्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे द गॉड हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग वेदा इज, तो इंद्रा गॉड जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा लोग मानते थे उस वक्त इंद्र को। नेक्स्ट हम देखेंगे द ऋग वैदिक गॉड वरुणा वॉज गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, जो ऋग्वेद थे वरुणा वो कौन थे, गार्जियन थे कॉस्मिक ऑर्डर्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे निवी प्रधान एंड आदिवासावर दा, जो निवी परिधान और आदिवासा थे, आदिवासी होगा आदिवासावर दा, ये कौन थे, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस, डिफरेंट टाइप ऑफ द गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस। नेक्स्ट हम देखेंगे पाणिनि द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ अ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव ड्यूरिंग द, तो ये जो पाणिनि जो पहले ग्रामेरियन थे संस्कृत लैंग्वेज के, वो इंडिया में कब कौन से टाइम पे रहते थे, तो ये हमारे कौन से टाइम पे रहते थे, ये हमारे रहते थे 6th-5th century के टाइम पे, कौन से टाइम पे, 6th-5th century BC में। नेक्स्ट हम देखेंगे द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एल्बम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मुंडक उपनिषद से जो वर्ड लिया गया है सत्यमेव जयते, वो हमें कहाँ से मिलता है, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट हम देखेंगे उपनिषद्स आर द बुक्स ऑफ, तो उपनिषद जो है बुक वो कैसी बुक है, तो वो फिलॉसफी की बुक है। द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वॉज, जो एक्सपाउंडर है योगा फिलॉसफी का वो कौन था, पतंजलि। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 पे, जूम करते हैं थोड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज मनु, जो ग्रेट लॉ थे हिंदू लॉज जो जिन्होंने बनाया वो कौन था, तो वो मनु थे। इनकी एक बुक भी है मनुस्मृति, जिसमें कि बहुत ही वाहियात लॉज लिखे गए हैं। स्पेशली पूरी कोशिश की गई है इसमें कि वुमेंस को कैसे दबाया जाए, कैसे उन्हें रोका जाए, उनको आज़ादी कैसे ना दिया जाए, मतलब तमाम तरीके की बुक, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो जो भी लोग अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशली वुमेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे द वर्ड गोत्रा अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, जो वर्ड गोत्रा था वो पहली बार एकर हुआ था कब, तो ये कब हुआ था, ये ऋग्वेद में एकर हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया, तो ये मतलब नास्तिक और आस्तिक सिस्टम क्या है, बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि आप बिलीव करते हो तो आप आस्तिक हो, नहीं बिलीव करते तो आप नास्तिक हो, तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट हम देखेंगे न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय, न्याय दर्शन जो है वो किसने प्रोपोगेट की थी, तो गौतमा ने की थी न्याय दर्शन को प्रोपोगेट। नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी, पाणिनि ने, किसने लिखी थी, पाणिनि ने, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पाणिनि। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्यन इज, जो लिटरल मीनिंग है वर्ड आर्यन उसका मतलब क्या है, सुपीरियर, समझ रहे हैं। आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक।
नेक्स्ट हम देखेंगे द मनुस्मृति, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया उस बुक के बारे में। द मनुस्मृति मेनली डील्स विद, तो ये किससे डील्स करती है? हिंदू लॉज से। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरुष मेधा मेल सेक्रीफाइस इज रेफर्ड टू इन, तो ये पुरुष मेधा मेल सेक्रीफाइस इज रेफर्ड टू इन, तो ये किसे वो रेफर करता है? तो ये आता है हमारा शतपाठा ब्राह्मण से। नेक्स्ट हम देखेंगे हु कंपोज द गायत्री मंत्र, किसने कंपोज किया था गायत्री मंत्र? तो विश्वामित्र ने। ऑथर ऑफ नया सूत्रा वॉज, ऑथर कौन थे नया सूत्रा के? तो ये हमारे कौन थे ऑथर? ये हमारे थे गौतम। द वर्ड आर्यन मीन्स ऑफ, जो वर्ड आर्यन था इसका मतलब क्या है? गुड फैमिली, ऑफ गुड फैमिली, अच्छी बात है खुद को सुपीरियर दिखाना। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन अकाउंट्स ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, तो फोर वेद में जो मैजिकल चीज़ों की बात की गई है वो किस कौन से वेद में की गई है? तो अर्थवेद में। शाम वेद म्यूजिक के लिए था, ऋग्वेद हमारा ऋग्वेद भी था, यजुर्वेद कर्मकांड के लिए था, ये अर्थवेद हमारा साइंस मैजिकल चार्म्स ये सारी चीज़ों के लिए था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे चार तरह के हमारे वेद थे और ओल्डेस्ट वेद इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा था? ऋग्वेद था। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली ऑफ, जो रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का वो प्राइमरली किस पे वर्क था? तो इनका जो था वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, पूजा करना नेचर की और यजनास की। द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, जो अर्लीस्ट सेटलमेंट हुआ इनका आर्यन ट्राइब्स का तो वो कहाँ हुआ? सप्त सिंधु में। जैसे मैंने बताई भी थी कि जो इंडस में मतलब जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? वो एक इंडस रिवर के किनारे रहते थे। जो आर्यंस आए वो सेंट्रल एशिया से आए और वो जो रीजन पे पहुँचे वो यही रीज़न था। नेक्स्ट हम देखेंगे इन अर्ली ऋग वैदिक पीरियड हु वॉट वॉज कंसिडर्ड टू द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, जो अर्ली वैदिक के लोग थे उनकी सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वो किसको मानते थे? तो वो काऊ को मानते थे। आई थिंक इतना ही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, हाँ सो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।